वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद ऐसे ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी इनकम ऐसे कम करें भाई, जिसको भी फैमिली आईडी में इनकम कम करनी है, इस तरह आप अपनी इनकम कम कर पाएंगे। चार तरीके हम आपको बताएंगे, इन चार तरीकों से आप फैमिली आईडी में इनकम कम कर पाएंगे, ठीक है साथियों। आपकी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 से कम इनकम पर आपको हरियाणा सरकार तमाम सुविधाएँ देने का काम करती है, चाहे वो BPL राशन कार्ड की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे आप बात करें किसी भी योजना के पैसे की, तो तमाम की तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम की तमाम जो सेवाएं हैं, वो घर बैठे बिना फॉर्म भरे आपका सब कुछ बन जाता है। और किसी योजना का फॉर्म, मकानों के फॉर्म निकलेंगे, वो भी जिनकी इनकम 81 से कम होगा उनके लिए खुलेंगे, ठीक है। तो जिनका इनकम 81 से कम है उन सभी के लिए सरकार जो है ये जो सारी सुविधाएं देने का काम करता है। तो भाई अगर आपकी इनकम 81 से अधिक है तो इस तरह आप अपनी जो है घर बैठे इनकम कम कर पाएंगे, ठीक है साथियों। चार तरीके हम आपको बताएंगे। वाईएम योजना हरियाणा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा BPL राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी मोटी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे बताने चला योजना का बाहर कब चला गया, यह आदेश कब बाहर कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना का लिस्ट कब जारी हुआ, इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, BPL राशन कार्ड, राशन सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और भाई डिस्क्रिप्शन में जो है आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार, हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार, नायब सैनी सरकार, सब कुछ उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड कराने का काम हम करते हैं। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है भाई, आपको जो है आपको करना क्या, ग्रीवेंस। मैंने 1000 वीडियो ग्रीवेंस की बता दी है, फैमिली आईडी में इनकम कम करने के लिए ग्रीवेंस कैसे लगाएं, ठीक है। फैमिली आईडी में मैंने 1000 वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, इसमें नहीं दिखाऊंगा भाई ग्रीवेंस कैसे लगाया जाता है, ठीक है। साथ ही अगर आपकी इनकम 81 से कम है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ग्रीवेंस लगाना है। आप स्वयं भी लगा सकते हैं, मेरे चैनल पर डली हुई है कैसे ग्रीवेंस लगाएं, ठीक है, या आप नजदीकी CSC जाकर भी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपने ग्रीवेंस लगाया, आपका इनकम 81 से अधिक है, साथियों सबसे पहले आपकी जो है लोकल कमेटी, LC जिसे आप होते हैं, लोकल कमेटी, पहला जो तरीका होता है, फर्स्ट ग्रीवेंस आपने लगाया, लोकल कमेटी आपकी जांच करेगी, आपको कॉल करेगी, आपके घर आएगी, ठीक है। लोकल कमेटी ने आपका कर लिया, अगर आपका फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। अगर ये लोकल कमेटी की वेरीफाई के बाद भी एक आपकी 81 से ऊपर रहती है, इस लोकल कमेटी में कौन होता है, एक CSC ऑपरेटर होता है, एक BLO होता है, ये एक जो है जो शिक्षण उसका जुड़ा हुआ जो है एक व्यक्ति होता है, तो ये तीन लोग इस कमेटी के अंदर, लोकल कमेटी के अंदर होते हैं, ठीक है साथियों। आपकी 81 से इनकम अधिक है और फिर आपने जो है सबसे पहले ग्रीवांस लगाया, आपका नहीं हुआ, तो साथियों आपकी जो है लोकल कमेटी ने वेरीफाई किया कि भाई इसकी इनकम 81 से अधिक ही है, इसलिए हम 81 से कम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हो जाता है तो नो टेंशन, यही आपका काम बन जाता है, ठीक है। अगर आपका फिर भी 81 से अधिक है और फिर भी आपका जो है ये आपने ग्रीवेंस लगाया, फर्स्ट टाइम आपका नहीं हुआ, आपकी 81 से अधिक है, अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको ग्रीवेंस लगाना है, अगेन क्या करना है, अगेन आपको जो है ग्रीवेंस लगाना है भाई, क्या करना है, दोबारा सेम प्रोसेस से आपको ग्रीवेंस लगाना है, ठीक है। ये चार तरीके आपको करने हैं हर हाल में, अगर आपको 81 से कम इनकम करना है तो अब फिर आपकी जाएगी सेक्टर कमेटी के पास। ये जो सेक्टर कमेटी होती है, ये कमेटी ब्लॉक स्तर की एक कमेटी होता है साथियों, सेक्टर कमेटी आपकी इसकी वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है। सेक्टर कमेटी सरकार ने गठन कर रखी है PPP की, ठीक है साथियों, सेक्टर कमेटी आपकी वेरिफिकेशन करेगा। ये संभवतः अगर आपका लोकल कमेटी ने 81 से आपने लगाया ग्रीवेंस, 81 से अधिक फिर दिखा दिया तो संभवतः ये 81 से कम कर देता है, आपकी 81 से कम आ जाती है, ठीक है। बाई चांस आपने दोबारा ग्रीवेंस लगाया, सेक्टर कमेटी का रिपोर्ट आया, इस तरह आ जाता है वेरिफिकेशन, ठीक है। जैसे यहां आ जाता है वेरीफाइड सोर्स SC सेक्टर कमेटी और फिर भी आपकी 81 ऊपर दिखा रही थी, फिर आपको क्या करना है, आज यही हो जाता है सही, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको थर्ड जो प्रोसेस है, अगेन आपको ग्रीवेंस लगानी है, तीसरी सेक्टर लोकल कमेटी ने भी आपकी 81 ऊपर दिखा दी और सेक्टर कमेटी ने भी आपकी 81 ऊपर दिखा दी, अगेन आपको थर्ड टाइम जो है आपको ग्रीवेंस लगाना है। आप जैसे ही ग्रीवांश लगाएंगे तो ये जो है रामबाण है, तीसरी बार सरकार भी सोचती है, फैमिली आईडी विभाग भी सोचता है यार ये व्यक्ति पीड़ित ही जाता है, वरना लोग एक बार ही आपका रिजेक्ट हुआ से लोकल कमेटी ने वेरीफाई किया, लोग नहीं लगाते यार ये वास्तव में पात्र है जो इसका बार बार ग्रीवांश लगा रहा है, इसका इनकम 81 से कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, सरकार स्पेशल वेरीफिकेशन करवाती है, ठीक है, स्पेशल वेरीफिकेशन, और इसमें तो संभवतः 100% आपका आ ही जाता है। तो आपको तीन बार ग्रीवांश लगाना है, तीन बार, अगर आपने तीनों बार ग्रीवांश लगाया
डाली आपकी लोकल सेक्टर और स्पेशल वेरिफिकेशन तीनों ने 81 से ऊपर दिखा दिया, तो फिर आपके पास अंतिम जो विकल्प बचता है, अंतिम विकल्प आपके पास बचता है जेड क्रैम का। आपको अपने नजदीकी जो ब्लॉक है खंड में जाना है, वहां ब्लॉक में फैमिली आईडी का एक खिड़की विंडो आपको मिलेगा, वहां आपको शिकायत देना है कि मैंने 3 बार लगवा ली और मेरी इनकम कम नहीं हो रही, मैं गरीब लोग हूं। तो फिर वो जो है आपका, लेकिन वो जो ब्लॉक में जाने का फायदा तभी जब आप एससी एलसी और सेक्टर कमेटी, ठीक है, इन तीनों से आप जो है स्पेशल वेरिफिकेशन, इन 3 बार ग्रीवेंस लगाने के बाद आपको ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक वाले जो है आपकी इनकम सही कर देंगे, ठीक है, वो आईडीसी ऑफिस के माध्यम से आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं, 3 बार ग्रीवेंस लगाना है, 100% सभी का 3 बार इसी ग्रीवेंस से ही हो जाता है, ठीक है साथियों। चौथा आखिरी तरीका यह है, तो ये 4 तरीके, अगर आपकी इनकम 81 से अधिक है तो आप इन 4 में से 4 तरीकों से आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम करवा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।